एक है प्रभाव में सेवा करना, लाखों रुपया आए आपने आपके पास में और 10-20-50 हजार रुपया दे दिया आपने चंदा, और उसके बदले में बहुत कुछ चाहा आपने, आपका मान हो, आपका सम्मान हो, आपको समाज गौ भक्त और समाज सेवी के नाम से जाने पहचाने, जाने कितने कितनी मनोकामनाएं आपने बांध ली अपने उस थोड़ी सी वस्तु से। पर एक है अभाव में सेवा करना, इसका दर्शन भक्तमाल में होता है। जब श्री पीपा जी और सीता सहचरी जी पहुंचे चीधर भगत और चीधरायन की कुटिया पे, द्वारिकाधीश का वैभव देखकर आए हैं वो, जिनके चरण कमल कमला के करतल से न निकलते देखा, उनका वैभव देखकर आए हैं। और यहां भक्त की दशा देखी, टूटी टूटी कुटिया, पानी टपक रहा है छत से, फटे पुराने वस्त्र, और घर को देखकर लग रहा है कि यहां पर कुछ भी नहीं है। एक दूसरे की ओर देखा, दोनों ने दिव्य वस्त्र आभूषण पहने थे, प्रभु के प्रसादी, संत का दर्शन करने आए हैं। चीधरायन ने जब चीधर भगत की ओर देखा कि आज घर में दो मुट्ठी अनाज भी नहीं है जिससे आए हुए अतिथि अभ्यागत की सेवा की जा सके, तो चीधरायन ने विचार नहीं किया, जो वस्त्र पहने थे वस्त्र उतार कर दिए, और घर में जो टाट बिछी रहती है वो टाट लपेट ली कि जाइए इसे बाजार में देकर जो कुछ मिले ले आइए, कि अतिथि घर से भूखा ना जाए, अतिथि घर से भूखा ना जाए। चीधर भगत के नेत्र सजल हो गए, इसलिए नहीं कि चीधरायन को अपने वस्त्र देने पड़े, इसलिए कि मैंने जीवन में ऐसी संत सेवी, ऐसी भक्त सेवी पत्नी को पाया है। ये देखकर चीधर भक्त के नेत्र सजल हो गए, अपने ऊपर भगवान की कृपा विचारी, और दो दो मुट्ठी अन्न मिला होगा कठिनाई से उन मैले कुचैले वस्त्रों के को देकर, वो दो मुट्ठी अन्न लेकर आए चीधरायन ने। चीधरायन ने बाटी बनाई, मनी मन प्रभु को भोग लगाया, और श्री पीपा जी और सीता सहचरी जी को बिठाया कि प्रसाद पाइए। अब चीधरायन सामने कैसे आए, वस्त्रहीन अवस्था में बैठी हैं घर के किसी अंधेरे कोने में टाट लपेटे हुए। श्री सीता सहचरी जी कहने लगी कि चीधरायन जी दिखाई नहीं देती, वो जब तक नहीं आएंगे तब तक हम प्रसाद नहीं पाएंगे, प्रसाद तो सब मिलकर बैठ कर पाएंगे। अब चीधर भगत बेचारे संकोच में क्या कहें कि वो किस कारण से बाहर नहीं आ सकती, तो श्री सीता सहचरी जी खुद चली गई भीतर कि मैं उन्हें लिवा कर लाती हूं। जब भीतर जाकर देखा तो हतप्रभ रह गई, वो फटा हुआ टाट लपेटे हुए एकांत में संकोचवश कि कैसे सामने जाऊं, नेत्र बंद है, रोम रोम पुलकित हो रहा है कि आज प्रभु ने मेरा कण कण संत सेवा में स्वीकार कर लिया। नेत्र सजल हैं, रोम रोम पुलकित हो रहा है, स्वर पड़ा सीता सहचरी जी के कान में, अंधेरा कक्ष था, अंधेरा कोठा सा होता है जो घर में, स्वर पड़ा कान में, कहां से स्वर आ रहा है, कोई बुला रहा है, कोई कोई पुकार रहा है, गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे। जब गई निकट जाकर देखा और कहा कि अरे चीधरायन जी आप यहां बैठी हैं इस अवस्था में निर्वस्त्र, श्री भक्तमाल में तो यही पंक्ति लिखी है। चीधरायन जी क्या उत्तर देती हैं, अरे द्वारिकाधीश का दर्शन करके आई हैं आप, ये हार्ड मास के चाम की क्या बात लेकर बैठ गई, हाथ पकड़ा उनका अपने पास बैठाया और कहा द्वारिकाधीश का दर्शन करके आई हैं आप, ये क्या हार्ड मास के चाम की बात लेकर बैठ गई, ढका तो क्या और उघाड़ा तो क्या, अरे ढका तो क्या और उघाड़ा तो क्या, आप प्रभु का दर्शन करके आई हैं, मेरे पास बैठिए, कुछ प्रभु की बात करिए, कुछ प्रभु की रूप माधुरी, कुछ प्रभु की लीला माधुरी सुनाइए। कांप गई सीता सहचरी जी, कुछ कहते नहीं बनता, कुछ विचार करते नहीं बनता, क्या भक्ति का ये रूप भी हो सकता है, क्या भक्ति का ये वैभव भी हो सकता है, क्या भगवान का कोई भक्त उसकी ऐसी निष्ठा जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके, इस परिस्थिति का विचार करिए। मैं जब कभी इस प्रसंग का चिंतन करता हूं तो पाता हूं भाई कैसा उनका हृदय रहा होगा, कैसे उनके हृदय में प्रेम रहा होगा। अपना मान टले टल जा भक्त का मान ना टलते देखा प्रबल प्रेम। और भाई कहीं
पता ठिकाना उसका हो कि ना हो, पर ऐसे भक्त संग के, ऐसे भक्त संत के अंग संग भगवान रहते हैं। और मैं तो कई बार व्यासपीठ से निवेदन करता हूं, मंदिर में भक्त मिले न मिले, पर भक्त जहां है वहां पर मंदिर होता ही होता है। व्यास बड़े हरि के जना, हरि ही नवावत मात, जिनके ही में बसत है तीन लोक के नाथ, बड़े हरि के जना।